हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वाक्य के बारे में प्रकार जितने होते हैं उनके बारे में एक बेहतरीन तरीके से सीखा था। वाक्य तत्व कितने होते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, उनके बारे में हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सीखा था। जो मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहले जाकर प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। मित्र, आज हम इसमें देखेंगे वाक्यों का वर्गीकरण। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, वाक्यों का वर्गीकरण दो तरीके से किया गया था। एक अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्यों का कितने भेद होते हैं तो 8 होते हैं, उनको हम लोगों ने कवर किया था। आज उसी के 8 के भेद के बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे ताकि जो है आपका कोई क्वेश्चन बाहर ना हो। और इसके बाद अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्यों कितने तरीके से कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, उनके बारे में अच्छे स्टडी से मतलब अच्छे मैटर के साथ हम उपस्थित होंगे कल की क्लास में। ठीक है मित्र, तो क्लास में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अर्थ के आधार पर हम लोगों वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है तो 2 प्रकार से किया गया है, 2 प्रकार से किया गया है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो एक अर्थ के आधार पर होता है, एक जो है अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है दोस्त, और रचना के आधार पर हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो रचना की बात आज नहीं करेंगे, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो 8 भेद होते हैं दोस्त उनके बारे में हम लोग कवर करेंगे। आइए देखते हैं पहला भेद क्या है, इनको लिखते हैं। पहला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 और जो लास्ट क्या होता है, 8। ठीक है दोस्त, तो पहला क्या हो गया, पहला भेद में आएगा आपका विधि वाक, विधि या विधान वाक, विधि या विधान वाक। ठीक है दोस्त, पहला हो गया। दूसरा में क्या आ जाएगा, दूसरा आपका निषेधात्मक वाक, निषेध वाक, निषेध वाक हो गया। तीसरा क्या आ जाएगा दोस्त, तीसरा क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक। ठीक है दोस्त, और इसके बाद क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक। इसके बाद आपका आ जाएगा विस्मयवाचक, विस्मयवाचक वाक हो जाएगा। इसके बाद दोस्त क्या आ जाएगा, संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक। इसके बाद क्या आ जाएगा सातवें नंबर पे, इच्छावाचक, इच्छावाचक। और इसके बाद क्या आ जाएगा लास्ट में क्या आ जाएगा, संदेहवाचक, संदेह या संभावनावाचक। क्लियर हुआ, आज इन्हीं के बारे में हम लोग जो है समझेंगे ताकि जो है यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं तो उनके बारे में हम लोग समझते हैं। आप इसी के सामने लिखिएगा, तो आप इसी तरीके से विधान वाक्य वाक्य जो है विधवाक इसमें लिखिए आप। इस वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में क्रिया के करने, जिस वाक्य में लिखिए आप परिभाषा, जिस वाक्य में क्रिया के करने का बोध होता है, जिस वाक्य में क्रिया का करने का बोध होता है, करने का सामान्यतः बोध होता है, सामान्य बोध होता है, या क्रिया के करने का बोध होता है, बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे मित्र विधि या विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे हम बोले सीता, सीता वन में जाती है। क्लियर हो गया, जैसे सीता वन में जाती है, राम हंसता है, तो ये क्या हो गया, विधि वाक हो गया। इसके बाद निषेधात्मक वाक्य उसे कहते हैं, जिस वाक्य में काम के करने में,
जिस वाक्य वाक्य में काम को करने में ना का बोध होता है, बोध हो उसे क्या कहते हैं? निषेधात्मक, मतलब नहीं, नकारात्मक, आप समझ लीजिए। इसका चिन्ह है क्या है दोस्त? नहीं होगा। ये वाक्य आपको बहुत ही आसान होता है, आप सब वाक्य आपको जो है बहुत आसान होते हैं। इसमें आज्ञावाचक में जिसमें आदेश हो, उपदेश दिया जाए, या प्रार्थनावाचक हो, प्रार्थना किया जाए, तो किसमें आ जाएगा? आज्ञा। तो इसमें क्या है? जिस वाक्य में काम को करने का ना का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हम बोले सूर्य भ्रमणशील नहीं है, एग्जाम्पल में लिखे आप सूर्य भ्रमणशील नहीं है, एग्जाम्पल में लिखे आप सूर्य भ्रमणशील नहीं है। नहीं जिसमें दिखेगा, ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है? निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इसके बाद आज्ञावाचक वाक्य में हम आएंगे। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहा जाता है? जिस वाक्य में आदेश, प्रार्थना, उपदेश दिया जाए ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम बोले आपको एक पेंसिल जो है अंकित के दे दो, एक पेन जो है अंकित के दे दो, मतलब हम कहते हैं कि हम आपको आदेश दे रहे हैं कि आप जो है हमें देख रहे हैं, ये पेन जो है उनको दे दीजिए। तो आज्ञा, हमने जितना भी आज्ञा किया तो ये आपका आज्ञा में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए इस पुस्तक को अंकित के दे दो, कोई बुक को, या इस बुक को हेडक्वार्टर पहुंचा दो, इस पुस्तक को हेडक्वार्टर पहुंचा दो। तो इसमें आप जान रहे हैं कि आज्ञावाचक में आप पहचानना बहुत आसान होता है कि आज्ञा दें, जो आप डेली करते हैं कि पानी लाके हमको दे दो, पानी उनको दे दो, पानी मम्मी को दे दो, हाँ, ये सब क्या है? आज्ञा है, ठीक है दोस्त। तो इसमें प्रार्थना होता है, आदेश, प्रार्थना, उपदेश दिए जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न किया जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे क्या, कब, कौन, ठीक है, ये आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक में। जैसे हम कहें क्या तुम विद्यालय जाओगे, एग्जाम्पल में लिख लीजिए क्या तुम विद्यालय जाओगे, तो यहां भी आप क्लियर हो जा रहे हैं दोस्त। प्रश्नवाचक वाक्य में भी आप क्लियर हैं, कौन, क्या, कब की बात करेगा तो आप क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य लगाएंगे, ये भी क्लियर है। विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में हर्ष, विषम, हर्ष, शोक, घृणा का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे विस्मयवाचक शब्द वाक्य कहते हैं। जैसे हम बोले छी छी कितनी बदबू आ रही, एग्जाम्पल में लिखिए आप, एग्जाम्पल में यहां लिख लीजिए छी छी कितनी बदबू आ रही है, कितनी बदबू आ रही है, ठीक है, क्लियर दोस्त। विस्मयवाचक वाक्य आप पहचान जाएंगे, छी छी, आहा, ये सब क्या है आपके? विस्मयवाचक। संकेत वाचक में जिस वाक्य में क्रिया के करने का पूर्ण बोध हो लेकिन क्रिया किसी अन्य पर आश्रित हो, क्रिया को करने का पूर्ण बोध हो लेकिन वो किसी दूसरे पर आश्रित हो उसे क्या कहते हैं? संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम बोले शायद कल बारिश होगा, तो इसमें आ जाए, संभावना में आ जाए। संकेत में कहते हैं अगर वर्षा होती, जैसे संकेतवाचक वाक्य परिभाषा लिखिए, जिस वाक्य में क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो
दूसरे पराशब्द हो, कुड़ हो, और उसे क्या कहते हैं, उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम कहें कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, संकेत कर रहे हैं अगर वर्षा होती, एग्जाम्पल लिखिए आप, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, किस में आ जाएगा, संकेत वाचक वाक्य में आ जाए, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, संकेत हो गया। आपको संकेत वाचक वाक्य में दोस्त और संदेह वाचक वाक्य में, संदेह मतलब संभावना जिसमें व्यक्त की जाए, जिस वाक्य में होने की संभावना व्यक्त की जाए उसे क्या कहते हैं, उसे जो है संभावना वाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में संभावना व्यक्त की जाए, संभावना का बोध हो उसे जो है उसे क्या कहते हैं, संदेह वाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर हुआ। जैसे शायद कल वर्षा हो। इसके बाद इच्छावाचक में कहते हैं, जिसमें मन के जैसे कि एक आशा का बोध होता है, एक इच्छा के, जैसे कि हम कहे आशा में आ जाएगा कि भगवान तुम्हें चिरायु करें, मतलब भगवान तुम्हें दीर्घ आय प्रदान करें, ये सब क्या होता है, हम लोग आशा करते हैं, और इच्छा कहते हैं कि भगवान तुम्हें धनी बनाए, तो ये हो जाता है आपका इच्छा। तो आपको जो है इसमें मित्र कोई दिक्कत नहीं होती, आपको पहचानने में कोई दिक्कत है नहीं, इसमें नहीं का बोध होता है, इसमें आज्ञा का बोध होता है, इसमें प्रश्न किया जाता है कौन क्या कब, इसमें विषय में हर्ष सुख घृणा पहचान जाएंगे वाक्य तुरंत। संकेत वाचक में कन्फ्यूजन रहेगा, संदेह मतलब संशय, जिस वाक्य में संशय या संभावना के व्यक्त किया जाता है का बोध होता है उसे संदेह वाचक या संभावना वाचक वाक्य कहते हैं, जैसे शायद कल वर्षा हो ऐसे वाक्य को, और संकेत उसे कहते हैं जिस वाक्य में क्रिया के पूर्ण होने का हो और क्रिया दूसरे पराशब्द हो। इच्छा में जान रहे कि इसके बाद ये सब रहा, और यही हमको समझो कि हमको सिर्फ विध वाक्य या विधान वाक्य पढ़ना है, इसमें सब में तो आप पहचान जाएंगे, बस यही पहचानना जिस वाक्य में क्रिया का करने का बोध होता है उसे जो है विध या विधान वाचक वाक्य कहते हैं, जैसे सीता वन में जाती है, एग्जाम्पल हो गया। क्लियर हो गया इतना, ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम जो है इसके दूसरे भेद की ओर बढ़ेंगे। दूसरा भेद क्या है, रचना के आधार पर तीन होते हैं सरल संयुक्त मिश्र वाक्य। वहां आज उस क्लास में को करने के बाद आपको सरल वाक्य संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य से गारंटी के साथ लेते हैं कि आप कभी गलत ही नहीं कर सकते, चाहे कि भी नहीं गलत कर सकते, क्योंकि हम दोनों को कंपेरिजन करके कल की क्लास में बेहतर तरीके से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ठीक है मित्र, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।